फैक्ट्री को बैठा सकते हैं तो उजाड़ भी सकते हैं। बस वो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग अपना आक्रोश ना दिखा, नियम के अनुसार चले, क्या हम लोग से बढ़ के है। अगर रात में उनको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं हम लोग वैसा हथियार ना ले जो कि सरकार को भी दिक्कत। स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय अधिकारी, पदाधिकारी वहाँ के लोगों का दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा को नहीं सुन रहा है। वहाँ जब जब आंदोलन हुआ है तब तब आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर 22 एकड़ 23 डिसमिल का जंगल है, उसको वहाँ काटने का बात चल रहा था। ये कौन सा नियम हुआ? पर्यावरण दिवस का पोस्टर भी लगा रहे हैं, प्लस में जंगल काटना, ये कौन सा न्याय हुआ? नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। अभी हम हैं राजभवन के समीप और पता ही होगा कि 2 दिवसीय आंदोलन रामगढ़ से चलकर रांची के धरती पर आ चुके हैं। उसी को समर्थन देने जेएसएसयू के प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं और कुछ क्रांतिकारी साथी लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार आज इन लोग का लास्ट डे है आंदोलन का, क्या कुछ बातें निकल के आया है अभी तक, क्योंकि अभी 3-4 बजने को चला है और अभी तक इसमें क्या कुछ संज्ञान में आया है इसको जानने को। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार जोहार क्रांतिकारी, क्या कुछ इतना देर का, जैसे कि कल से आप लोग आंदोलन को पैदल यात्रा करके रांची तक पहुंचे, रांची पहुंचने के बाद यहाँ पे राजभवन के समीप आप धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, कितना पहुंचा आपका आंदोलन को, कहाँ तक सुना गया सरकार की तरफ से कितना? जी हम लोग आज राजभवन के समीप पहुँच चुके हैं जी। और यहाँ से सटा हुआ महामहिम राज्यपाल महोदय का आवास है, भवन है, तो निश्चित है उसके कानों तक चल गया होगा। चूँकि यहाँ जो आए हुए हैं पूरा एकदम 500-600 की महिला, जिसमें छोटे छोटे बच्चे से लेकर 70-80 साल के दादी लोग भी उपस्थित हुई है, यह बहुत पीड़ादायक और दुर्भाग्य की स्थिति में आई है। तो ये बात हम वहाँ के अधिकारी को भी अवगत करा दिए हैं और सारे लोग संज्ञान में ले रहे हैं। बात रही कि आखिर ये स्थिति और परिस्थिति क्यों पड़ा, तो हम बता दें कि आज हम लोग को पैदल, आप देखते हैं तमाम कितने माओं का, कितने बहनों का पैर छिल गया है, पूरा का पूरा 60 किलोमीटर लगभग पैदल मार्च कर करके यहाँ तक पहुँची है, लंबी सफ़र तय करके। इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि जो रामगढ़ से हम लोग जो चल के आए हैं, रामगढ़ बूढ़ा खाप की बात करें वहाँ का मानवता तहस नहस हो गया है, तार तार हो गया है, महामारी का स्थिति आ गया है। वहाँ जाके आप ग्राउंड रिपोर्ट करके देखिएगा, वहाँ के हवा, वायु, जल, पर्यावरण सारे के सारे पूरा प्रदूषित हो गए हैं। अरे जो खाना खाते हैं डेली जीने के लिए चावल, वो तक काला पड़ गया है। जो पेड़ पौधे हरा भरा देखते हैं, हरियाली का झारखंड का बड़ा बड़ा नारा दिया जाता है, अभी 74वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के तरफ से बड़ा बड़ा पोस्टरबाजी किया जा रहा है, विज्ञापन किया जा रहा है, आपका जो है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 6 जून को। लेकिन आज देख रहे हैं कि पर्यावरण को दिन दहाड़े जो है नष्ट कर दिया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है। और आज एक हरेक मानव को आपका शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण उसका अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है। जीने के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, पर्यावरण बहुत नितांत आवश्यक है। लेकिन जो आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह कंपनी हरेक कंपनी का पॉल्यूशन कंट्रोल का एक मापन यंत्र होता है, उस दायरे में ही पोल्यूशन फैला सकता है जितना हमारा ये प्राकृतिक सहन कर सके। लेकिन दुर्भाग्य इसका कोई मापन यंत्र नहीं है और ये अपने मर्जी से जो है कि अपना आउट ऑफ कंट्रोल करके वो अपना फैला रहे हैं प्रदूषण, जिसके परिणाम आप देखिए वहाँ के जितने पेड़ पौधे वहाँ काला पड़ गए हैं, वहाँ कोई नस्ल भी बर्बाद हो गया और फसल भी बर्बाद हो गया। वहाँ बोदी, भिंडी, सब्जी, आलू, चावल कुछ भी नहीं हो रहा है, गेहूँ चावल सब का सब बंद हो गया है, होना बहुत कम मात्रा पे हो रहा है। और जहाँ महामारी की बात करें, इसी साल 11 मार्च को हमारा 8 वर्षीय एक भाई नीरज का मृत्यु हो गया। क्यों हुआ? इसलिए कि इन्फेक्शन के वजह से कैंसर हो गया, जिसका इलाज नहीं हो पाया और इन्फेक्शन का कारण उस फैक्ट्री से निकला हुआ पॉल्यूशन। यह एकमात्र कहानी नहीं है, वहाँ पे कई ऐसे हमारे छोटे छोटे भाई बहन अभी कई कैंसर से पीड़ित हैं, कितना टीबी बीमारी से पीड़ित हैं, कितना का हृदय, दिल, हार्ट छेद हो चुका है, कितनों का किडनी काम नहीं कर रहा है, कितनों का जो है कि मानसिक कमजोर हो गया है, मानसिक बीमारी हो गया है, शरीर से खून नहीं बन रहा है, आँख में रोशनी कम हो गया है, कान सुनाई नहीं पड़ रहा है, बहुत बुरा स्थिति हो गया है। ऐसा महामारी से पूरा ग्रामीणों ने ठान लिया है
कि ऐसा घूंट घूंट के रोज़ रोज़ मैंने प्रताड़ित होकर जीने से अच्छा है कि अब हम लोग ऐसा भी मर रहे हैं तो हम लोग आंदोलन करके हम लोग लड़ाई लड़के जो है कि हम लोग इस फैक्ट्री को लगाम लगा सकें। और यह फैक्ट्री सुधरने के बजाय आप देख रहे हैं कि वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ के सीओ को आदेश दिया है फिर से और 22 एकड़ 92 डिसमिल का वन विभाग का भूमि को अधिग्रहण करने का, और वहाँ का सीओ लगातार फर्जी ग्राम सभा करके अधिग्रहण करने में लगा हुआ है। और ये तमाम तरीके जो देख रहे हैं शोषण, ये झारखंड बनने के बाद हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले का घटना है, 2004 की बात है। और जब भूमि अधिग्रहण किया था ये कंपनी झूठ बोल के किया था कि यह सूता फैक्ट्री होगा, यहाँ वस्त्र का निर्माण किया जाएगा, यहाँ स्टील का बर्तन का निर्माण किया जाएगा, और देख रहे हैं उसके बाद आयरन स्पंज का ये इंडस्ट्री बनाया गया। तो ये ऐसा स्थिति बहुत दयनीय बुरा स्थिति है, इसीलिए हम लोग को आज सचेत होना है। इसलिए महामहिम से निवेदन करने आए हैं, गुहार लगाने आए हैं कि महामहिम महोदय एकमात्र हमारे राज्य के सबसे उच्च सर्वोच्च पद में बैठने वाले संवैधानिक पद में बैठने वाले प्रथम नागरिक हैं एक इस झारखंड राज्य का, तो उसे निवेदन करेंगे कि यह महामारी का प्रकोप है, यहाँ की सरकार, वहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय अधिकारी पदाधिकारी वहाँ के लोगों का दुख दर्द तकलीफ पीड़ा को नहीं सुन रहा है। वहाँ जब जब आंदोलन हुआ है तब तब आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, कभी केस मुकदमा, कभी लाठी गोली, तरह तरह का साजिश षड्यंत्र। इसीलिए स्वयं महामहिम संज्ञान में लेते हुए वहाँ के लोगों का दुख तकलीफ से जो है कि उनको मुक्ति दिलाए, यही हम निवेदन कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल महोदय से। कोई अभी जो वार्ता के लिए बात हो रही थी उसको लेकर कोई आया उसकी तरफ से? वार्ता के लिए अभी हम लोग अभी जाने वाले हैं, वार्ता करेंगे और हम लोग अपना मांग पूरा कराएंगे, अभी वार्ता करने जा रहे हैं हम लोग। एक तरफ सरकार जल जंगल जमीन की बात कहती है और दूसरी तरफ आप लोग की रामगढ़ घुड़ाखाप से एक मुद्दा सामने आया है कि वहाँ पे पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, इसमें आप कितना सहमत हैं? देखिए अभी आप इधर उधर जहाँ भी नज़र रखिएगा वहाँ पे आपको पोस्टर दिखेगा पर्यावरण दिवस का, 74वां पर्यावरण दिवस का ये बोला भी जा रहा है। और फिर जो रामगढ़ जिला में बूढ़ा खाप है वहाँ पर 22 एकड़ 23 डिसमिल का जंगल है उसको वहाँ काटने का बात चल रहा था, ये कौन सा नियम हुआ? पर्यावरण दिवस का पोस्टर भी लगा रहे हैं प्लस में जंगल काटना, ये कौन सा न्याय हुआ? देखिए हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग किसान हैं, हम लोग धान रोपते हैं, फसल उगाते हैं, तब जाके हम लोग खाते हैं, तो हम लोग का इतना औकात नहीं है कि हम लोग एसी का हवा ले सकें। तो आप कम से कम पेड़ को तो मत काटिए, पेड़ को मत काटिए। अभी देखिए बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा, एक बच्ची 3 साल की है उसको भी कैंसर से वो अभी हो रहा है पीड़ित है, और एक भाई लगता है 8 साल का नीरज, उसका डेथ हो गया कैंसर की वजह से। वहाँ पे बहुत सारे मतलब परेशानियाँ हैं, लोगों की परेशानियाँ जो है कंपनी दिन ब दिन बढ़ाते जा रही है। जी बिल्कुल, इसलिए हम लोग राजभवन आए 2 दिन का पद यात्रा करके और अभी गुहार लगा रहे हैं यहाँ पे राजभवन पर। जी जो दीदी जिस तरह से आप लोग आंदोलन 2 दिन से लगातार करते आए हैं और अभी जो आंदोलन स्थल जो है धरना स्थल वहाँ बैठे हैं, कितना तक सफल दिख रहा है आपको ये आंदोलन? सबसे पहले तो आप लोग को जोहार, मीडिया वाले बंधु सबको जोहार, जो आप लोग हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आप लोग भी भूखे प्यासे दिन भर हम लोग के साथ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आप लोग को भी। आंदोलन कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि आपका 2 दिवसीय जो आंदोलन था वो खत्म होने को चला है? हाँ खत्म होने के चला है, और डीसी बोले हैं कॉल करेंगे आप लोग आ जाइएगा, इसीलिए हम लोग धरना में ही बैठे हुए हैं अभी सुबह से, कल से जो चले हैं, चलते चलते सबको पैर में देखिए फोड़ा फुंसी हो गया, सबका दुख दर्द समझ ही सकते हैं पैदल चल चल के, तो हम लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए डीसी सर कब तक बोलते हैं कि आइए, अब उनको क्या लग रहा है वही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या वो आदमी नहीं है, इंसान नहीं है? उनको समझ में नहीं आता कि इंसान को भूख प्यास लगती है कि नहीं लगती है, जब महिलाएं सब चल के आए हैं और हमारा झारखंड में बोल देते हैं कि हम महिला सबको आरक्षण कर रहे हैं, महिला सबको आगे बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे हम लोग को कर रहे हैं बताइए? तो हम लोग को तो ऐसे नचा रहे जैसे कि भेड़ बकरी जैसे नचाता है ना गाँव में, वैसे हम लोग को नचा रहे, जब मन है तब वहाँ यहाँ वहाँ वैसे नचा रहे, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। क्या उनके बस में नहीं है तो वो भी बोल दें हम लोग खुद निर्णय कर लेंगे, जब हम लोग फैक्ट्री को बैठा सकते हैं तो उजाड़ भी सकते हैं, बस वो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग अपना आक्रोश ना दिखा, नियम के अनुसार चले, क्या हम लोग से बढ़ के है? अगर रात में उनको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं हम लोग वैसा हथियार ना ले जो कि सरकार को भी दिक्कत हो।
इसीलिए हम लोग सब नियम कानून से ही लड़ना चाह रहे हैं, जो कि हम लोग को किसी का नुकसान ना हो, ना सरकार का नुकसान हो, ना हम लोग का नुकसान हो। इस बार क्या लगता है कि तमाम आंदोलन तो पहले भी करते आए हैं इस फैक्ट्री को लेकर, इस बार लगता है कि आपका सफल होने को चलेगा? 50-50 तो दिख रहा है, अब देखिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, 50-50 लग रहा है। जो अगर सरकार हम लोग की आवाज़ उनके कानों तक पहुंच गई है तो थोड़ा सुनेगी राज्यपाल सरकार भी, और देखिए अब क्या करते हैं। जिस फैक्ट्री को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर उसके विरोध में आप आए गए हैं, पहले भी तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जब फैक्ट्री बैठ रहा है तो ये कौन चीज़ का बैठ रहा है, क्या दूसरा बता के वहाँ पे आप लोग नहीं? देखिए जब फैक्ट्री बैठ रही थी उस टाइम हम वहाँ की पुतो है बहू है, जब वहाँ फैक्ट्री बैठ रही थी तो हमारे सास सब बताई कि वो बोला यहाँ पे लकड़ी का काम होगा और आप लोग को काम देंगे, सूता वाला काम होगा, ये कह के बैठाई। उसके बाद कुछ दिन तक वो काम चला, उसके बाद धीरे धीरे इसको उससे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होने लगा, तो ये धुआं कोयला फैक्ट्री वैसी भी है रामगढ़ कोलवरी इलाका, तो उनको लगा इसमें मेरा ज़्यादा प्रॉफिट है, बस धीरे 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 वो काम को आगे बढ़ा दिए। ये लड़ाई 2000 से चल रही है, आज से नहीं, लेकिन यही आप लोग का समर्थन और मीडिया वाला जैसे पहले इतना नहीं था, जो कि ये लड़ाई हम लोग लड़ते थे फिर दो दिन चार दिन के बाद फिर समाप्त हो जाती थी। तो अगर अगला साल से हम लोग, ये साल भर हो गया, देखिए पेड़ काटने का भी हुआ, लेडीज सबको, ये पुलिस प्रशासन कहाँ का नियम है जो लेडीज सबको रात में जाके घर में गाली गलौज करना पी खा के, ये कहाँ का नियम? गाली गलौज घर में जाके करते थे, जो वो नेतागिरी बनने आती है उसको भोसड़ी को निकालो यहाँ से, बताइए। ये पुलिस वाले को यही सब पढ़ाई किया जाता है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है फिर भी हम लोग बर्दाश्त करते रहिए, टाइम आएगा तो हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस कंपनी से आप क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं लास्ट में, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन तो होता आ रहा है, इस बार अगर हो जाता है तो मेन मोटो क्या रहेगा, कंपनी का बंद होना चाहिए कि उस पर कुछ सुधार करनी चाहिए? सुधार का तो आप छोड़िए, तो जब बंद ही हो जाना चाहिए। जब हम लोग को विकास के बारे में सबसे पहले होता है मानव सुरक्षा, जब हम लोग सुरक्षा ही नहीं रहेंगे तो उसको बैठा के क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसको बंद कर दीजिए, हम लोग को कहानी खत्म है। नहीं तो जिस मुद्दा को लेकर आप वहाँ फैक्ट्री किए थे सूता फैक्ट्री का, उसको बैठाइए, लकड़ी फैक्ट्री बैठाइए, हम लोग इसमें समर्थन है। जोहार। तो ये थी पूरी जानकारी, आगे